हाय, इट्स 25120। प्रकाश सर नमस्कार, आप सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। पहले आपकी कॉल सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू, स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है बजाज ऑटो। इसमें तेजी है, करीब 4-5 दिन से हम देख रहे हैं। ट्रेड कर रहा है 10,682 पर। 10,600 का स्टॉक लगाना चाहिए, 82 रुपीज का, और उसको छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है 10,800 तक जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम वहां तक जाना चाहिए। बजाज ऑटो स्पिल ओवर हो सकता है, पॉसिबल, बट यस, बजाज ऑटो लुक्स गुड। में तेजी का ट्रेड इस समय पकड़ा जा रहा है गाबा जी की तरह से। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून, मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा एट दिस पॉइंट इन टाइम विल बी डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज के हम सितंबर के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे, और जहां तक सितंबर के फ्यूचर्स की बात है तो फिलहाल 7024 के करीब है, और यहाँ पे हम अगर 6970 का एसएल लगाएंगे तो अपसाइड पे हमारा टारगेट 7120 एंड 7140 होगा। ओके, डॉक्टर रेड्डीज बाय ट्रेड है आपका। विकास, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? देखो, मुझे आज कल भी मैंने डिस्कस किया था लॉरेंस लैब, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिला है डेली चार्ट पे, तो लॉरेंस लैब अभी भी मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे, और बड़ा यहाँ पे मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा आगे आते हुए कुछ दिनों में। तो लॉरेंस लैब यहाँ पे बाय करना है 478 के टारगेट के लिए। नीचे में जो स्टॉप लॉस देखने मिलेगा 450 के नीचे का, 448 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉरेंस को यहाँ पे बाय करना है। अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखो तो मोमेंटम इंडिकेटर RSI भी यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है, तो मुझे लगता है 1 से 2 दिन में एक अच्छा मोमेंट कैरी करते हुए देखने मिलेगा। और लास्ट के जो हैपन आ रहा है वहां पे मुझे लगता है इस काउंटर में ज्यादा मोमेंट देखने मिल सकता है विद वॉल्यूम के साथ, तो लॉरेंस लैब यहां पे बाय कॉल है। लॉरेंस लैब पर एक बाय कॉल, और लॉरेंस लैब में हमने देखा पिछले आधे पौने घंटे में एक बहुत तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला है, 1.25% तक का इजाफा ये स्टॉक आपको दिखा रहा है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तेजी हो रही है, 478 तक का टारगेट रहेगा। मानस आफ्टरनून, आपका ट्रेड? नमस्कार जी, तो देखिए डीवीज लैब में खरीदारी करेंगे। काफी समय से 5000 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक, लेकिन आज 5000 का आंकड़ा ब्रीच हुआ है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। करंट लेवल्स पे डीवीज लैब में खरीदारी करनी है, 4974 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, और 5275 के टारगेट सेट करेंगे डीवीज लैब में। ये कैश लेवल्स है, अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 5100 वाला 5100 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। सितंबर मंथ का 158 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसमें स्टॉप लॉस आपको 99 रुपीस के नीचे लगाना है और टारगेट 275 के सेट करने हैं। ओके, डीवीज लैब, अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय का ट्रेड रहेगा MCX। MCX में हम काफी अच्छी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, 2 दिन का इसमें रेस्ट था ऑन वेरी लो वॉल्यूम्स, और आज हम वापस इसमें एक 52 वीक हाई का अपटेक देख रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इस काउंटर में काफी स्ट्रॉन्ग है। 4965 का प्राइस है, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 5050 एंड 5100। स्टॉप लॉस रहेगा 4900 का। तो 5050 के लिए एक मौका MCX में बन रहा है, एक अच्छा खासा मोमेंटम इधर। गौरांग नमस्कार, बताइए आप इस समय क्या आप ट्रेड लेंगे? धन्यवाद हर्षदा जी, आपका सभी को शुभ दिन और सादर प्रणाम हमारे तरफ से। इंडसइंड बैंक का विकल्प ढूंढा है हमें, निजी क्षेत्र की बैंक, और बुनियादी तर्क के आधार पर 1800 के तरफ जाने की तैयारी कर रहा है ऐसा हमें लग रहा है। ये मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ, और एक दायरेबंद कारोबार हुआ था मेरे ख्याल से 1350 और 1380 के बीच में काफी समय तक, अब थोड़ी धीरे करके उभरने का प्रयास कर रहा है। तो अगर समय की पाबंदी नहीं है तो आप यहाँ पर बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। ओके, तो इंडसइंड बैंक में एक मौका तेजी का गौरांग ने दिया है। गौरांग, दो स्टॉक्स मैं इस पर आपसे राय लेना चाहूंगी, और ये हमेशा हुआ है जब भी निफ्टी 50 में बड़े बदलाव हुए हैं, जो स्टॉक निकल रहा है हम कहते हैं उसका बस बॉटम आ चुका, अब यहाँ से तेजी पकड़ेगा। LTI माइंडट्री इंडेक्स से बाहर जाएगा, आज 7% के गेंस है। डीवीज लैब, जिसका जिक्र मानस कुछ देर पहले कर रहे थे, आज यहाँ पर भी 3.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे फंडामेंटली लेकिन आप बताइए क्या बदलेगा इन कंपनियों में, बारिंग दिस टेक्निकल कारण, जो आप कह सकते हैं टोटका ही है, अब इंडेक्स से बाहर हो रहा है तो तेजी आएगी। और ये टोटका ही रहना चाहिए हर्षदा, मेरे ख्याल से ये आवागमन जो होता है सूचकांक में
अलग अलग कंपनियों का, इससे कंपनी के कामकाज के ऊपर मैं बार बार यही कहता हूं हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा कि ठीक है अगर कोई कंपनी आती है तो उसमें कुछ बाइंग आ जाती है और वो मेरे ख्याल से एक एक दिन या फिर उस समय तक ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, उसके बाद फिर हम वास्तविकता के और अपना रुख मोड़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि कंपनी तो अर्चना यही है कि अगर कोई कंपनी आती है तो उसमें थोड़ी बहुत फंड बाइंग आती है थोड़े ऊपर की तरफ के दायरे, और जो कंपनी का निकास होने वाला होता है उसमें बिकवाली होती है क्योंकि अनिवार्य है जो नियम है उसके हिसाब से बड़े बड़े निवेशक जो है उसी तरीके से कामकाज करें। और LTI माइंडट्री पर तो मेरे ख्याल से ये 4500 से निरंतर हम राय दे रहे हैं LTI माइंडट्री पर, और इसकी एक दूसरी कंपनी है L&T समूह की L&T टेक्नोलॉजीज, ये दोनों पर ही लंबी अवधि से हम निवेश की राय दे रहे हैं अर्षदा। तो ये एंट्री एग्जिट को लेकर के तो मैं ज्यादा चिंतित होता ही नहीं हूँ क्योंकि केवल मात्र कुछ समय के लिए हरकत में आते हैं और फिर वास्तविकता की तरफ मुड़ जाते हैं।